Yet another exciting T20 match came to an end with the victory for England. India lost the third T20 match against England just by 17 runs. नमस्कार दोस्तों, हर्ष टॉक्स में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेली जा रही थर्ड T20 में इंग्लैंड को मिल गई है जीत और इंडिया सिर्फ 17 रनों से ये मैच हार गई। सीरीज का थर्ड T20 मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और एक मामत स्कोर खड़ा किया 215 रनों का, मतलब 250 रन्स, वो भी 7 विकेट खोके 20 ओवर में। पिछले दो मैचों में स्ट्रगल कर रही इंग्लैंड की टीम ने थर्ड T20 में बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें डेविड मलान ने शानदार 77 रन बनाए, फॉलोड बाय लिविंगस्टोन जो कि ओनली 29 बॉलों में से 42 रन्स बनाए। और इंग्लैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 250 रन्स बनाए 7 विकेट खोकर 20 ओवरों में, जिनमें एक्स्ट्रास थे 13 रन्स। और इंग्लैंड के बल्लेबाजी को चैलेंज करने उतरी थी इंडियन की बॉलिंग स्क्वाड। तो दोस्तों ये बता दूं कि जबकि सीरीज़ ऑलरेडी 2-0 से इंडिया लीड कर रही थी, सीरीज़ अपने नाम कर ली थी, तो थर्ड T20 में बॉलिंग स्क्वाड का पूरा दमखम नहीं था, मतलब जो प्राइमरी और मेन बॉलर है इंडियन स्क्वाड के वो लोग नहीं उतरे थे, बल्कि कुछ और बॉलरों को इंडियन टीम ट्राई करना चाहती थी। सो जिनमें अवेश खान ओनली 1 विकेट लिए हैं, वो भी 43 रन्स देकर। इमरान मलिक भी एक ही विकेट लिए, वो भी 56 रन्स देकर। बिश्नोई ने 2 विकेट लिया 30 रन्स देकर, सो ये थोड़ा इकोनॉमिकल था। और जाडेजा ने कोई विकेट नहीं लिया और 45 रन्स दिए। और हर्षद पटेल ने 2 विकेट्स लिया 35 रन्स देकर। एक बड़ा सा टारगेट लिए इंडियन टीम उतरी बैटिंग करने और कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि बैटिंग करने उतरे, ओपनिंग करने उतरे ऋषभ पंत और रोहित शर्मा ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, जिसमें ऋषभ पंत ने ओनली 1 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 11 रन्स, विराट कोहली 11 रन्स। तो ये मैच कहा जाए तो एक तरफ से स्काई वर्सेस इंग्लैंड टीम की थी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आज शानदार बैटिंग प्रदर्शन किए, जो कि ओनली 55 बॉलों में से 117 रन्स बनाए, जिसमें 14 फोर्स हैं एंड 6 सिक्सेस हैं, फॉलोड बाय श्रेयस अय्यर 28 रन्स, दिनेश का 6 रन्स, जाडेजा 7 रन्स, पटेल 5 रन्स, अवेश खान 1 रन एंड रवि बिश्नोई 2 रन्स। और इंडिया को मिली 9 एक्स्ट्रास और कुल 20 ओवर ख़त्म होते तक इंडियन टीम 198 रन बना पाई 9 विकेट्स खोकर, और इंग्लैंड की टीम ने ये मैच जीत लिया 17 रनों में से। सो इंग्लैंड टीम ने ये मैच जीत कर मुकाबला सीरीज को 2-1 में लेके आ गए, मतलब कि इंडिया 2 विन इंग्लैंड 1, और ये सीरीज गई इंडिया के हाथ में। सूर्य कुमार का आज प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, तो मैं वही सोच रहा था कि शायद प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार ही बने, बट अनफॉर्चुनेटली वो टॉप लीग को गया जो 3 विकेट्स लिए। लेकिन बढ़िया बात यह है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज बने भुवनेश्वर कुमार। हालांकि इंग्लैंड की टीम, मतलब इंग्लैंड ये मैच जीत गई, लेकिन सीरीज इंडिया के हाथ में है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। तो दोस्तों ये थी छोटी समरी
इंग्लैंड इंडिया सीरीज का और थर्ड टेस्ट मैच का। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।